इसमें थोड़ा सा ये है कि स्प्रेडिंग काफ़ी हाई स्पीड में स्प्रेडिंग हो रहा है, और मगर उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक कुछ कह नहीं पा रहा है हेल्थ एक्सपर्ट कि ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, शायद अभी तक का जो रिपोर्ट जो आ रहा है उतना डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है। सो अभी हम लोग जो भी हो, कोविड का लड़ाई सिंस लास्ट 2 ईयर्स में हम सब लोग ने लड़ा है मिलके, सो वी आर बिट एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो आवर स्टेट इज़ वेल प्रिपेयर्ड। Yeah, in fact, I totally agree, because before you know the outbreak of this pandemic, COVID virus, our health infrastructure जो था वो उतना अच्छा कंडीशन में नहीं था, तो इसलिए हमने लास्ट 2 ईयर्स में पूरा फोकस हेल्थ में डाला हुआ है। एंड अरुणाचल बींग एन माउंटेन स्टेट, इट टेक्स टाइम टू कम अप ऑन ग्राउंड फिजिकली, यू नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसे आने में टाइम लग रहा है, लेकिन ओवर नेक्स्ट 1 ईयर्स ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट मैं खास करके आज यहाँ होलुंगी में, जो हमारा राज्य का पूरा प्रदेश का जनता का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। अभी जो हमारे यहाँ पे जो 4 एजेंसी जो यहाँ पे काम कर रहा है, अभी डिटेल प्रेजेंटेशन हमको लेना है, तो जहाँ तक अभी जो विजुअल और प्रैक्टिकल जो यहाँ पे इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन जो हुआ, तो हमको तो लग रहा है कि जो टाइम लाइन ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से जो सेट करके रखा है, बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर 2022 कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बट एज़ पर एग्रीमेंट ये प्रोजेक्ट जो है इनका कंप्लीशन टाइम है बाय नवंबर 2022। मगर तभी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जितने भी जो कंस्ट्रक्टिंग जो विंग्स है यहाँ पे, उनको डायरेक्टिव्स भी दिया हुआ है कि उसका टारगेट बाय अगस्त कंप्लीट करने के लिए। तो अभी रनवे का आप लोग ने देखा कि करीबन 2.3 किलोमीटर्स का ये रनवे है, और जिसमें से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोगों का जो टर्मिनल जो बिल्डिंग है, एक परमानेंट बिल्डिंग भी बनते रहेगा, और साथ साथ टेम्प्रेरी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक प्रीफैब यूनिट भी लगा रहा है, ताकि नेक्स्ट ईयर से हम लोग विल स्टार्ट विद द प्रीफैब टर्मिनल बिल्डिंग, और परमानेंट जो कंस्ट्रक्शन जो मेन टर्मिनल बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन चलते रहेगा। एज एंड वेन जो परमानेंट ये जो सीसी का आरसीसी स्ट्रक्चर जो रेडी हो जाएगा, तो उसमें टेम्परेरी को शिफ्ट करके, और टेम्परेरी वालों को हम लोग एज कार्गो टर्मिनल हम लोग यूज़ करेंगे। या इनफैक्ट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर कमिंग अप विद दिस वेरी यूनिक अभियान, क्योंकि इस प्रदेश में वी आर वन ऑफ द बेस्ट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी एरिया इन द एंटायर कंट्री, और हमारे यहाँ पे मोर देन 500 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पाया जाता है, मगर ड्यू टू दिस इन्वेंशन ऑफ दिस ईयर गन, तो हम लोगों का थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है खास करके चिड़िया का जो पॉपुलेशन में। मगर पिछले लास्ट 1 ईयर से जो अभियान चला है, आई थिंक नाउ मोर देन अराउंड 2000 गन्स ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है, और पब्लिक लोग इसको विलिंगली एक्सेप्ट करके कोऑपरेट कर रहा है। सरकार की ओर से मैं पूरा जनता, पूरा समाज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, कनेक्टिविटी भारत सरकार और राज्य सरकार का हमेशा टॉप एजेंडा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी आने से बाकी डेवलपमेंट अपना आप फॉल इन हो जाएंगे। सो उसी प्रकार से अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, लास्ट 7 ईयर्स में कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा काम हुआ है। यू टॉक अबाउट रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर, यू टॉक अबाउट द एयरपोर्ट सेक्टर, एयरवेज और द डिजिटल वेज, तो चारों कनेक्टिविटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है। और जो आप पैकेज बी का जो बात कर रहा है, इट इज़ रिगार्डिंग फ्रॉम ईटानगर टू दैट बंदरदेवा वाला सेक्शन जो बोल रहा है, और पैकेज बी का जो काम जो है वो नाहरलगन एरिया में ही पड़ता है। वहाँ पे दो प्रकार से काम होगा, एक नीचे से भी रोड बनेगा और ऊपर से भी डबल लेन, एक फ्लाईओवर भी बनेंगे। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट शायद वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने लैंड का शायद क्लियरेंस जमा कर दिया है, उसको अभी जल्दी हम लोग एग्जीक्यूशन में हम लोग लेके आएंगे। वो तो एज पर एग्रीमेंट जो लिखा होगा उसी का आधार पे ही जाएंगे, एग्रीमेंट में जो लिखा होगा। नहीं, वो ये यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सटर्नल कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे। हम लोग फ्यूचर प्लान कर रहा है कि हम लोग अनदर 500 मीटर्स का भी हम लोग ने लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी कर दिया है। उस साइड में एक रिवर है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग अभी उसको रीडायरेक्ट कर रहा है, ताकि भविष्य में, अभी टेक्नोलॉजी का बात है, अभी आज तो बोइंग है, अभी उसका बाद फिर और भी अच्छा प्लेन आ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर स्कोप रख के इसको एक्सपेंशन का भी जगह रखा हुआ है। का जो काम जो है वो नाहरलगन एरिया में ही पड़ता है। वहाँ पे दो प्रकार से काम होगा, एक नीचे से भी रोड बनेगा और ऊपर से भी डबल लेन, एक फ्लाईओवर भी बनेंगे। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट शायद वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने लैंड का शायद क्लियरेंस जमा कर दिया है,
उसको अभी जल्दी हम लोग एग्जीक्यूशन में हम लोग लेके आएंगे। वो तो एज पर एग्रीमेंट जो लिखा होगा उसी का आधार पे ही जाएंगे, एग्रीमेंट में जो लिखा होगा। सर, ये एयरपोर्ट में कुछ नहीं, वो ये यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सटर्नल कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे। हम लोग फ्यूचर प्लान कर रहा है कि हम लोग अनदर 500 मीटर्स का भी हम लोग ने लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी कर दिया है। उस साइड में एक रिवर है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग अभी उसको रीडायरेक्ट कर रहा है, ताकि भविष्य में, अभी टेक्नोलॉजी का बात है, अभी आज तो बोइंग है, अभी उसका बाद फिर और भी अच्छा प्लेन आ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर स्कोप रख के इसको एक्सपेंशन का भी जगह रखा हुआ है। थैंक यू। दैट इज मेरली आउट ऑफ 11 मंथ्स आउटपुट, उसमें भी एक मॉनसून सीजन चला गया, तो उस हिसाब से वी आर ऑन ट्रैक। हाउएवर, जो भी हर्डल्स आएगा वी आर रेडी फॉर दैट। मशीनरीज, रिसोर्सेज मैक्सिमम हमने जो रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा लोकेट किया हुआ है, एंड विल ट्राई टू अचीव योर डिजायर्ड टारगेट्स। सर, प्रोग्रेस जो मेरा डेडलाइन है उसके हिसाब से नवंबर 2022 है प्रोजेक्ट का, पर हाउएवर जो हायर अथॉरिटीज से हमें टारगेट दिया है और उसके हिसाब से 15th अगस्त को इसको इनॉग्रेट करना है, तो उसके हिसाब से हम और फर्दर एग्रेसिवली 2-3 मंथ्स पहले उसको हैंड ओवर करने का प्लान करेंगे ड्यू टू टेस्टिंग एंड जो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो उस हिसाब से अवर टारगेट इज़ टू कम्प्लीट एवरीथिंग बाय अप्रैल 2022। हाउएवर, टूडेज़ मीटिंग में सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी सर से बात हुआ, उस हिसाब से वी विल स्टिल ट्राई एंड पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू सी वॉट एवर अर्ली वी कैन डू। सर, प्रोजेक्ट के स्कोप्स तो बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग माइनर अदर स्कोप्स, पर अवर टारगेट इज़ टू अचीव द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक रनवे, टैक्सी वे, एपरन। जो मेजर गोल है उसको हम पहले अचीव करेंगे, हालांकि जो मिसेलिनियस नॉन क्रिटिकल आइटम्स है पैरेलल दैट कैन बी डन एट अ लेटर स्टेज एज वेल। तो हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हमने फोकस किया है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को हम डिजायर्ड डेट पे अचीव करें। रनवे का जो हम 2300 मीटर का टोटल रनवे लेंथ है, उसमें से हमारा जो PQC अभी चल रहा है वो 1500 पे है, तो इट इज़ मोर देन 60%। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.